अस्सलामुअलैकुम नाज़नीन, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। वीवर्स, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल कुकिंग विद नाज़ को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो वीवर्स, चलते हैं अपनी आज की रेसिपी की तरफ। तो आज की जो सी हमारी रेसिपी है वो है मूँगी मसूर की दाल गोश्त के साथ हम लोग इसको बना रहे हैं। अब इसकी रेसिपी क्या होगी, कैसे बनेगी, ये जानते हैं मामा से। जी मामा, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है मेरे बहन भाइयों। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। ये लहसुन, ये मैंने गोश्त धो के ना प्याज डाल दिया था एक छोटा सा, ठीक है। ये एक मैंने लहसुन का चम्मच डाल दिया, लहसुन अच्छा दोनों का पेस्ट। हाँ जी, ये एक चम्मच मिर्च, मिर्च आधी चम्मच, हल्दी एक चम्मच, नमक का। तो एक मिनट, तो व्यूअर्स आप लोग देख सकते हैं कि हम पर तीन मसाले लिए हैं। ये रेड पेपर लिया है हम लोगों ने, सॉल्ट और ये जौन सी हमारी है, हल्दी हम लोगों ने तकरीबन आधा आधा चम्मच ये सब कुछ लिया है। और सिंपली हम लोगों ने पहले गोश्त लिया है, गोश्त के अंदर हम लोगों ने एक अदर छोटे साइज का प्याज बारीक बारीक कर कर काट लिया। ये मैंने दालें ली हैं, मतलब तकरीबन ये जो दोनों की मिकदार को मिला के हम लोग अंदाजा लगाएं तो ये हाफ के जी है, ठीक है। एक पाव हुई जो हमारी, इसको लाल पीली दाल भी कह सकते हैं, इसको लाल पीली दाल भी कह सकते हैं। तो आप लोग यहाँ पर देख भी सकते हैं कि कौन सी वो दाल है। अच्छा, तो यहाँ पर हम लोगों ने गोश्त के अंदर जो है वो डाल दिया है नमक, मिर्च, हल्दी को, प्याज भी हम लोगों ने डाल दिए हैं। सिंपल पहले हम लोग गोश्त को पकने के लिए रख देंगे, क्योंकि ये जो हमारी रेसिपी है दाल की, हम लोग दाल गोश्त तैयार कर रहे हैं, मूंग की और मसूर की दाल तैयार कर रहे हैं। तो इसके हम साथ हम लोग मतलब चावलों के साथ सर्व करेंगे इसे। चावल, ओके। तो साथ इसके टमाटर भी डाल, बॉयल राइस होंगे, ठीक है। तो उसके साथ हम लोग इसकी सर्विंग करेंगे। तो आज की जौन सी हमारी रेसिपी है वो दाल के हवाले से, अगर आप लोग चाहें तो सिंपल आप लोग दाल वैसे भी बना सकते हैं, लेकिन गोश्त के हवाले से क्योंकि हम लोगों ने पहले आपको सिखाई नहीं थी तो हम लोगों ने कहा चले आज हम आपको ये इस मूंगी मसूर की दाल गोश्त के साथ सिखा देते हैं। तो आप इसको मतलब अगर आपने वैसे बनाया तो प्रेशर कुकर में भी आप गोश्त को रख सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पर हंडिया में इसको रख दिया पकने के लिए। और हम लोग इसको हंडिया के अंदर बना रहे हैं। टमाटर एक अदद हम लोगों ने बड़े साइज़ का टमाटर जो सा है वो भी इसके अंदर शामिल कर दिया। बहुत ही मज़ेदार सी जो सी दाल जो ढाबा स्टाइल होती है ना वो वाली बना रहे हैं हम लोग। तो आप लोग इसको बनाएं और इंजॉय करें। तो यहाँ पर बिना टाइम जाया कि अब हम लोग गोश्त को पकने के लिए रख देते हैं। और व्यूअर्स, आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, हमारी रेसिपी को पूरा देखना है। तो व्यूअर्स, यहाँ पर गोश्त हम लोगों ने पकने के लिए रख दिया है, गोश्त को एक उबाला रखते हैं, गलने के लिए रख देते हैं। तो आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, हमारी वीडियो को पूरा देखना क्योंकि आज की रेसिपी बहुत ही मज़ेदार सी तैयार होने वाली है। तो व्यूअर्स, हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि जो हमारा गोश्त है वो अभी तैयार नहीं हुआ, थोड़ी सी इसमें कसर है, इसको मज़ीद पकने के लिए रख देते हैं। इसके अंदर बबल्स बन रहे हैं क्योंकि आपको पता है गोश्त थोड़ा सा पकने में टाइम लेता है, तो इसलिए हम लोग इसको मज़ीद 5 से 10 मिनट या इससे थोड़ा सा ज़्यादा भी लग सकता है टाइम इसको पकने के लिए रख देते हैं। तो आप लोगों ने कहीं हमारी वीडियो को पूरा देखना क्योंकि आज की जो वीडियो बहुत ही मज़ेदार सी जो है वो तैयार होने वाली है, इस वजह से क्योंकि ये मतलब हम लोग आपको दाल भी सिखा रहे हैं और लेकिन गोश्त के साथ, तो 2-in-1 वाली रेसिपी हो गई। तो आप लोग इसको देखें, इन्जॉय करें और इसको बनाकर हमें अपनी फीडबैक दें कि ये जो सी रेसिपी है वो कैसी बनी है। जी, तो व्यूअर्स आप लोग देख सकते हैं कि वही गोश्त जो हम लोगों ने पहले हंडिया पकने के लिए रखा था हमने उसको यहाँ कुकर में निकाल लिया है। और कुकर में इसलिए निकाला क्योंकि अब हम लोगों ने इसके अंदर दाल डाल ली, दाल को हम लोग कुकर में बनाते हैं तो इसलिए हम लोगों ने जो गोश्त है यहाँ पर निकाल लिया है। ये गोश्त को भून लेते हैं, गोश्त की हम लोग यहाँ पर भुनाई करने लगे हैं। गोश्त जो है वो तैयार हो गया था, पानी खुश्क हो गया था इसका, तो हम लोगों ने इसको कुकर के अंदर निकाल लिया है। अब इसी तरह हम लोगों ने इसके अंदर एक दोई ये जो है घी की हम लोगों ने इसके अंदर शामिल कर दिया, इसकी भुनाई करेंगे। इसके बाद इसके अंदर जो सी वो दाल है मूंगी मसूर की दाल गोश्त की रेसिपी हम आपके साथ सिखा रही हैं बनाना, तो हम लोग वो दाल जिसको हम लोग भिगो चुके हैं। और अब इसके बाद हम लोगों ने गोश्त की भुनाई कर ली है और अब इसी दौरान हम लोगों ने इसके अंदर जो दाल है वो शामिल कर देनी है। तो आप लोग देख सकते हैं कि हम लोगों ने पहले कैसे गोश्त को तैयार किया। तो अगर आप लोगों ने हमारी वीडियो को पूरा देखा तो आप लोगों को पता होगा कि गोश्त कैसे तैयार करना है, कौन कौन से मसाले डालने हैं, किस तरह हम लोगों ने तैयार करने के लिए रखा था। और जब वो तैयार हो गया तो हम लोगों ने बाद में इसे कुकर में निकाल लिया और कुकर में निकालने के बाद हम लोगों ने इसके अंदर एक डोई डालकर इसको अच्छी तरह से हम लोगों ने इसको भून लिया। दो डोइयाँ हम लोगों ने घी की डाली इसके अंदर, इसे भून लिया। और भूनने के बाद हम लोगों ने इसके अंदर जो सी हमारी दाल थी हम लोगों ने पहले भिगो ली थी, रखी हुई थी पानी में डालकर भिगो कर, तो हम लोगों ने वो दाल को इसके अंदर डाल दिया है। तो अब देखते हैं कि मज़ेदार सी जौन सी की दाल गोश्त की रेसिपी है कैसे तैयार होगी। अब हम लोगों ने इसके अंदर पानी डाल दिया, तकरीबन
एक जगह आप लोग पानी का डाल सकते हैं, इसके अंदर हम लोग इसको पकने के लिए रख देंगे। तो बहुत ही आसान सी रेसिपी है, आप लोगों ने मतलब इसको पहले गोश्त को तैयार कर लेना, उसके बाद जब गोश्त तैयार हो जाए तो कुकर में निकाल कर आप लोगों ने इसको दाल के साथ पकने के लिए रख देना है। तो मामा अब हम लोग इसको कुकर को लगा कर बस हाँ जी अब वेट करेंगे कि जो हमारी मतलब आज की रेसिपी है ये तैयार हो जाए। हाँ जी। तो व्यूअर्स अब हम लोग जो कुकर को है वो बंद कर रहे हैं, ज़रा एहतियात से आप लोग बंद करें कुकर के हवाले से जब भी काम करें। तो अब ये हम लोग इसको बंद कर रहे हैं, फिर आपको दिखाते हैं, आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, वीडियो को पूरा देखना है। व्यूअर्स हम लोग यहाँ पर खोलते हैं हमारा जो सा कुकर जी, ये देखें आप लोग माशाल्लाह ये दाल जो सी है बहुत अच्छी सी हमारी यहाँ पर तैयार हो गई है, इसके अंदर बबल्स भी बन रहे। तो अब ये क्या मम्मा फाइनल हो गई है? हाँ बेटा। तो अब हम इसको आइए देखें, माशाल्लाह देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छी गल गई है, अच्छी गल गई है, गोश्त भी अच्छी तरह गल गया है और खुशबू भी माशाल्लाह बहुत ही उम्दा आ रही है। तो क्योंकि अब हम लोगों ने आपको कहा था कि आज की हमारी रेसिपी दाल चावल की है, तो यहाँ पर दाल हमारी तैयार हो गई है। तो अब हम लोग जो उनसे है वो गाढ़ी बहुत है, इसमें पानी डालना पड़ेगा, तो इसकी थिकनेस अभी ज़्यादा है, इसके अंदर थोड़ा सा हम लोग पानी ऐड करेंगे। इसके अलावा हम लोगों ने चावलों को बॉईल करना है, तो आप चाहें वैसे तो दाल और चावल का ही कॉम्बिनेशन होता है, अमूमन दाल चावल ही खाया जाता है, लेकिन ये नहीं कि आप इसको चपाती के साथ नहीं खा सकते, आप इसको चपाती के साथ भी खा सकते हैं। तो हम लोग इसके बाद के जो है वो चावल वो तैयार करते हैं। तो व्यूअर्स अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो क्या हम आप दोबारा इसको पकने के लिए हम रखेंगे? हाँ उबाला दिलाएंगे ना, फिर ये पानी तो कच्चा है ना अभी डाला हुआ। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने तो इसमें ना मैंने ना वो डालती हूँ ना मेथी, मेथी भी हम लोगों ने कसूरी मेथी हम लोगों ने इसके अंदर शामिल करनी है। वैसे तो हमारी ये जो दाल है वो तैयार हो गई है, लेकिन हम लोगों ने इसके अंदर थोड़ा सा पानी शामिल किया तो इसलिए थोड़ा सा इसको मज़ीद पकाएंगे। तो इसी दौरान हम लोगों ने इसके अंदर जो सी कसूरी मेथी है वो शामिल कर देनी है और लास्ट पे गरम मसाला, ये गरम मसाला भी साथ ही में डालने लगी, मतलब इसकी खुशबू पहले भी बहुत ज़बरदस्त आ रही है तो कसूरी मेथी डालने से ये और दोबाला हो गई है इसकी खुशबू। ये देखें गरम मसाला भी मैंने डाल दिया, मसाला अब ये तैयार है हमारी हांडी, बस उबाला दिलाना है, एक बस एक उबाल हम लोगों ने इसको और दिलाना है, तो उसके बाद जो है ये हमारी आज की दाल गोश्त की रेसिपी है ये फाइनल हो चुकी है। माशाल्लाह शक्ल भी बहुत अच्छी आ गई है और अब हम लोग जो है वह चावल उनको तैयार करेंगे। तो आप लोगों ने कहीं जाना है, वीडियो को पूरा देखना है, तो अब हम उसको पकने के लिए रखते हैं और जो हमारे चावल हाँ हम लोग तैयार कर लेते हैं, चावलों को पानी रखते हैं। तो हम लोग यहाँ पर पानी रख रहे हैं चावलों के लिए, हम लोगों ने तकरीबन एक चम्मच इसके अंदर डाल दिया है नमक का, नमक डालकर हमने इनको बॉईल करना है चावलों को। तो यहाँ पर हमारा पानी पकता है चावलों के लिए, तो हम इसको थोड़ी देर बाद आपको दिखाते हैं कि जो हम लोगों ने चावल तैयार करने हैं। ठीक है, तो चावल तैयार करने के बाद हम लोग अपनी जो सी हमारी दाल है वो भी हमारी रेडी हो जाएगी, क्योंकि अभी हम लोगों ने इसके अंदर थोड़ा सा पानी शामिल किया है, इसको डिश आउट करते हैं और आपको दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें चावल, तो हम लोगों ने यहाँ पर व्यूअर्स आप लोग देख सकते हैं कि चावल जो उनसे हैं वो बॉईल कर लिए हैं। तो चावल भी हमारे यहाँ पर माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो चुके हैं और दाल हम लोगों ने पहले ही बना ली है आप लोगों के सामने, अब हम लोग इसको डिश आउट कर रहे हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि चावल बन गए, अब दाल हम लोग डाल के दिखाते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की जो उनसी रेसिपी है दाल चावलों की वो अच्छी लगेगी, अगर अच्छी लगे तो हमारे चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये चावल हम लोगों ने तैयार कर लिए हैं, अब हम लोग जो हमारी दाल गोश्त हम लोगों ने आज आपको सिखाया है, तो ये आप लोग इसका एक फाइनल लुक देख सकते हैं। तो माशाल्लाह खुशबू बहुत ज़बरदस्त आ रही है और हम लोगों ने इसके अंदर मेथी भी डाली है और हम लोगों ने गर्म मसाला लास्ट पर इसके अंदर ऐड किया है। तो अगर आप लोगों ने हमारी वीडियो को पूरा देखा है तो आप लोगों को पता होगा कि हम लोगों ने ये जो सी मज़ेदार सी दाल गोश्त की रेसिपी है ये कैसे तैयार की है, बहुत ही मज़ेदार सी ये तैयार हुई है। आप इसको ज़रूर ट्राई करें और हमें अपनी फीडबैक दें कि जो दाल गोश्त की रेसिपी आपको कैसी लगी, क्योंकि दाल हम लोगों ने पहले आप लोगों को सिखाई हुई है, हमारे चैनल पर मौजूद है दाल के हवाले से रेसिपी, लेकिन आज हम लोगों ने आपको गोश्त के साथ, क्योंकि जिन लोगों को गोश्त के साथ नहीं बनानी आती थी तो हम लोगों के लिए 2-in-1 है कि दाल
भी आप लोग मतलब देख सकते हैं। अगर आप लोगों ने गोश्त नहीं ऐड करना, सिर्फ दाल बनानी, तो वो भी आप लोग देख सकते हैं कैसे तैयार की जा सकती है। तो ये व्यूअर्स का फाइनल लुक है, उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छी लगे, क्योंकि आप देख सकते हैं माशाल्लाह खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त और उमदा आ रही है। और दाल चावल तो हम सबके पसंदीदा ही होते हैं, सबको पसंद होते हैं, तो आप लोग चाहे उसको अचार के साथ सर्व करें, चाहे आप लोग दाल को रोटी के साथ खा लें, जैसा भी उसको आप लोग इंजॉय कर सकते हैं। तो अगर आप लोग इसको बनाएं, हमें अपने फीडबैक ज़रूर देंगे कि जो मज़ेदार से दाल चावल की रेसिपी कैसी बनी है। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आएगी। इंशाल्लाह हम एक नई रेसिपी लेकर दोबारा हाजिर होंगे। हमें दुआ में याद रखिएगा, हम आपके लिए दुआगो हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।